पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब लोगों के दैनिक जीवन पर भी पड़ने लगा है। सागर में बुधवार को पेट्रोल 116 रुपए प्रति लीटर हो गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश की टीम ने शहर के सिविल लाइन स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए आने वाले वाहन चालकों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में जल्द से जल्द लाना चाहिए, जिससे पेट्रोल की कीमतों में काफी कमी आ जाएगी। लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण कई वाहन चालकों ने वाहन का उपयोग सीमित कर दिया है, जबकि वाहन का नियमित उपयोग करने वाले वाहन चालक तो एक दूसरे से वाहन शेयरिंग कर अपना काम चला रहे हैं। वाहन चालकों ने बताया कि पिछले 1.5 साल से पेट्रोल के दाम 2 गुने होने की कगार पर हैं, क्योंकि वाहन अब आम आदमी की जरूरत बन चुका है, इसलिए वह वाहन का उपयोग छोड़ भी नहीं सकता। दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के बाद पेट्रोल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि का असर घर के बजट पर भी पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? अनिल यादव। अच्छा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अभी 2.5 साल पहले जो 60-70 रुपये का था, आज 116 रुपये हो गया है। आप लोग देख रहे हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो किस तरह से फिर एडजस्ट करते हैं? अब जो 200 का कहीं कहीं जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो कम डलवा लेते हैं, कम जगह जाते हैं। अब प्रभाव तो पड़ रहा है, मगर क्या करें। जो स्वराज जी बोलते थे जब महंगाई थी, जब 60 का था तो साइकिल लेकर चलते थे, आज वो साइकिल उनकी जब नहीं रही, वो प्रचार में मस्त हैं। यूरिया की इतनी किल्लत है, कमी चल रही है, मगर वो नहीं दिख रहा है, प्रचार में मस्त हैं लगे। बजट का एडजस्टमेंट तो देखो, सरकार जब पैसा देगी तभी एडजस्टमेंट होता है। सरकार एक तरफ से देती है, एक तरफ से लेती है। अब जीएसटी के दायरे में यदि आ जाता है पेट्रोल डीजल, तो लगभग रेटों में अच्छा खासा कमी देखने को मिल जाएगी। यदि जीएसटी 28% भी लेते हैं डीजल पे या पेट्रोल पे, तो 28% के हिसाब से आएगा। अभी लेकिन 70% के करीब डीजल और पेट्रोल पे टैक्सेशन गवर्नमेंट के हैं, जो कि नाजायज़ गलत है। सागर में भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे वाहन चालकों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। आज 116 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतें यहां पर हैं। हमने यहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए जो आने वाले वाहन चालक हैं उनसे भी बात की है, जिन्होंने सीधा आक्रोश जताया, और उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों को अगर जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।